कल कुणाल ने मिश्री को आग से बचाया था और आज दुनिया की बातों से बचा रहा है। बेलमा चुप क्यों है? मरवन वाली बात क्यों नहीं कर रही है? कुणाल, तुम गोड़धाना के लिए तैयार हो? उसे जब पता चलेगा कि किस मकसद से मैं यहाँ आई हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही साथ देगा। जब सब कुछ तय है तो फिर शुभ कार्य में देरी कैसी? गोड़धाना जल्द कर लेते हैं। कल ठीक रहेगा? सबसे पहले मैं मिष्टी की मर्जी जानना चाहती हूँ। जब सब कुछ मिष्टी की मर्जी से हो रहा है तो गोड़धाना भी मिष्टी की मर्जी से ही होना चाहिए। क्या तुम गोड़धाना के लिए तैयार हो? हाँ। अबीर, मैंने सवाल मिष्टी से पूछा था। मैंने जवाब मिष्टी की तरफ से ही दिया है। I'm sure मिष्टी हाँ ही कहना चाहती है, क्योंकि ना कहने की तो कोई वजह ही नहीं है, है ना? वादा कर अपनी बड़ी माँ से कि आज के बाद दोबारा फिर शर्त की बात कभी नहीं करेगी। इसके बॉयफ्रेंड ने इसे बचा तो लिया, राजकोट भी अब प्रोग्रेस कर रहा है। हमारे जैसे छोटे शहर में समय धीरे चलता है और लोगों की जुबान तेज चलती है, फैसला थोड़ा जल्दी ले लेना। मैं आपको दुखी नहीं देख सकती बड़ी माँ। मिष्टी, मेरी तरफ से हाँ आए। बड़ी माँ कितनी खुश है तिलक की बात सुनकर। इसे ये सब इतना जल्दी हो गया, कुणाल को थोड़ा और अच्छे से जानने थी तो सही होता। कांग्रेचुलेशंस आंटी। Excuse me everyone, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। ठीक है। मैं शौर्य और उसके बाबूजी को फोन करके खुशखबरी देती हूँ। बड़ी माँ, बड़ी माँ खुश तो मैं ना? तूने मुझे हमेशा खुशी दी है मिष्टी, कल भी और आज भी। अबीर कहाँ गया? राजश्री जी, मैं मुहूर्त निकलवा कर आपको कॉल करती हूँ गोड़धाना के लिए। जी मीनाक्षी जी, आप नहीं जानती आपने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। आप भी नहीं जानती कि मैं आप लोगों को कितनी बड़ी खुशी देने वाली हूँ। गोड़धाना के मौके पर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप हंसे कि रोए। मतलब
बेटी जाने का दुख होगा, लेकिन हम सबका प्यार देखकर खुशी भी तो होगी। हमारे घर पहली बहू जो आ रही है। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। 2 दिन में कुणाल का गोड़ धाना है। अरे वाह, वही ग्रेट न्यूज। कांग्रेचुलेशन भाई, आई एम सो हैप्पी। अरे हमारा बड़ी रे, 2 दिन में? पर बिनबा, 2 दिन में इतनी सारी तैयारियां कैसे कर पाएंगे? जेवर खरीदने होंगे, साड़ी खरीदनी होंगी और पता नहीं क्या क्या। बिनबा सुनिए, फेसियल तो मैं आज ही जाके करवा लूंगी, वैसे भी उसकी चमक तो एक दिन के बाद ही आती है ना। हस्बैंड हस्बैंड वो तमें क्रेडिट कार्ड दो ने आपको। अरे क्रेडिट कार्ड होए वाली गेली। जो भी होवे दो जल्दी। दो नहीं, एक है रूम में। अरे मारी रे, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, अभी से शुरुआत करती हूँ। बिनबा इस गोथाने से खुश है? सुबह से लेकर अब तक ऐसा क्या हो गया? माँ, आप नाराज नहीं है? मैं क्यों नाराज होंगी कुणाल? वो मैंने आपसे बिना पूछे हाँ कह दी। मुझे पूरा यकीन है कुणाल, मुझसे पूछे बगैर तुम कोई डिसीजन नहीं लेते, आज तक नहीं लिया। अगर आज लिया है तो जरूर कोई खास वजह होगी। एक्चुअली जो कुछ भी न्यूज़पेपर में छपा, उसके बाद उसकी फैमिली को बहुत टॉन सुनने को मिल रहे थे। मैंने उनकी नेबर्स की बातें सुनी, डिस्कस्टिंग। और वैसे भी ये प्री मैरिटल कोर्टशिप आपको पसंद नहीं है, तो मुझे लगा इसे एंड करके हमें नेक्स्ट स्टेप ले लेना चाहिए। और तुमने ले लिया, एकदम करेक्ट डिसीजन। अब 2 दिन में गोड़ धाना है तो महेश्वरी इसको इन्फॉर्म तो करो, उन्हें भी तो तैयारियां करनी होंगी। कुणाल कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स माँ। माँ अंबे की कृपा से सब सही हो रहा है। कुणाल ने ये गोड़ धाना तय किया है तो इसकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी बिनबा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।